मॉर्निंग बच्चों, आज हम नव भारती में पार्ट दो बिल्कुल मुफ्त पढ़ने जा रहे हैं और यह एक चित्र कथा है। मतलब चित्रों को माध्यम से आपको बताया है कि किस तरीके से जो लालची होता है और उस लालच के कारण वो किस तरीके से अपने आप को कष्ट में डाल देता है। तो इसमें क्या है, एक थे भिखू भाई जो हद से ही ज़्यादा कंजूस थे। मतलब क्या थे, वो बहुत कंजूस थे। तो उनकी कंजूसी की कोई सीमा नहीं थी, वो चाहते थे हर चीज़ उनको मुफ्त में मिल जाए। तो एक दिन उनका नारियल पानी पीने का मन हुआ। सभी लोग जानते हैं और सब नारियल का पानी पीते भी हैं ना, अच्छा लगता है सबको। अब ये सोचने लगे, ओहो, पर मैं नारियल तो है नहीं, अब नारियल लेने के लिए बाज़ार जाना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात पैसे भी खर्च होंगे, क्या करूँ। अब सोच रहे थे बाज़ार जाऊँगा तो पैसे भी खर्च होंगे तो क्या करूँ। बड़ी देर तक विचार करते रहे, फिर नारियल पानी के लिए भिखू भाई का मन इतना ललचाया, मतलब बहुत ललचा गया, नहीं अब पीना ही पड़ेगा, अब बाज़ार जाता हूँ। वे बाज़ार की ओर निकल ही पड़े। पता तो चले कि आजकल बाज़ार में नारियल कितने में बिक रहा है। सोचे चलो पहले पता करूँ भाई आखिर नारियल कितने में बिक रहा है। अब एक कई नारियल वालों से दाम पूछते हुए चले, दाम मतलब कितने का है भाई, कितने का है उसकी की कीमत भाई, कितने में दे रहे हो। तो ये नारियल वाले भाई, या नारियल कितने में दोगे? तो उन्होंने क्या कहा, बस 2 रुपये में काका। और भिखू भाई की आंखें फैल गई, मतलब अरे इतना महंगा, 2 रुपये इतना महंगा, 1 रुपये में दो? ना जी ना, 2 रुपये सही दाम है, ले लो या छोड़ दो। उन्होंने कहा ये बिल्कुल सही है, इससे मैं कम नहीं दे सकता हूँ, आपको लेना हो लो नहीं तो आगे जाओ। अब उन्होंने फिर सोचा कि चलो कहीं और सस्ता मिलेगा, इससे सस्ता में जाके कहीं देखता हूँ। तो अब वो कहाँ गए, सोचा मंडी, मंडी में चीज़ें क्या सस्ती मिलती है। तो अब भिखू भाई मंडी की ओर चले और मन ही मन सोचने लगे। मंडी क्या होती, जहाँ की बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे थोक में सामान मिलता है ना, तो मंडी में नारियल सस्ता मिलेगा, टहलने का एक मौका है, घूम भी लूँगा और नारियल भी ले लूँगा और रुपये भर की बचत भी हो जाएगी और 1 रुपया बच भी जाएगा। ये सोच के वो कहाँ चले गए, मंडी। अब भिखू भाई मंडी पहुँच कर बोले, भाई एक नारियल कितने में दोगे? तो उसने क्या कहा, सिर्फ 1 रुपये में काका। अब 1 रुपया सस्ता मिल रहा था, फिर भी लालची थे, सोचे 1 रुपये में क्यों ले, और सस्ता ले लूँ। तो क्या मैं इतनी दूर से चलकर आया हूँ और तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो? 50 पैसे काफ़ी हैं, 50 पैसे ले लेना। देखिए अब और सोच रहा और सस्ता मिले, नहीं काका 1 रुपये से कम में ना मिलेगा। अब भिखू भाई और सस्ते के चक्कर में आगे चले, चलो और जा आगे बढ़ते हैं और सस्ता मिलेगा। देखा एक आदमी नाव में रखकर नारियल बेच रहा है। किस में वो रख रहा है, नाव में। अब वो चाह रहे थे 50 पैसे में मिले, तो वो नारियल भी उतने मिल रहा था, लेकिन उनकी इच्छा नारियल लेने की नहीं थी, सोच रहे थे और सस्ता मिले। भाई एक नारियल कितने में दोगे, 50 पैसे में। अब उसने कहा, तो अब सोचा इसने कि यार ये तो 50 पैसे में भी दे रहा है, तो सोचा और सस्ता मिलेगा आगे जाके। तो भिखू भाई हाँपते हुए बोले, इतनी दूर चलकर आया और 50 पैसे, अरे ये तो बहुत महंगा है, ये 50 पैसे तो मेरी मेहनत के हैं, इससे सस्ता नारियल तो कहाँ मिलेगा तुमको, बगीचे में, बगीचे जहाँ पे बहुत से नारियल के पेड़ लगे थे। अब चलते चलते भिखू भाई के पैरों में दर्द हो रहा था, क्योंकि मंडी गए, फिर मंडी से यहाँ आए, अब इसके बाद नावल, अब इसके बाद सोचे अब चलो बगीचे में चले। लेकिन सस्ते के चक्कर में वे बगीचे में जहाँ पहुँचे और माली से बोले, नारियल कितने में दोगे? तो माली ने क्या बोला, अरे जितने चाहे ले लो, लेकिन पेड़ पर चढ़कर तोड़ लो एकदम मुफ्त। अरे फिर तो वो बहुत खुश हो गए, अरे चलो बहुत सारे नारियल ले लेता हूँ। अब मुफ्त सुनकर भिखू भाई बहुत खुश हुए और नारियल के पेड़ पर चढ़कर जैसे ही नारियल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, वैसे ही क्या हो गया, उनका पैर फिसला और भिखू भाई नारियल पकड़े हुए लटक गए। अब क्या करें, कैसे निकले नारियल को पकड़े, अब उनका पैर हवा में झूलने लगा है ना, लटक के सिर्फ नारियल को पकड़ के वो झूलने लगे। अब अरे भाई मदद करो, कोई बचाओ मुझे, अब वो चिल्लाने लगे, भाई कोई तो मुझे बचाओ। तभी वहाँ एक ऊँट वाला वहाँ से गुजर रहा था। ओ ऊँट वाले भाई बचाओ मुझे, हाँ हाँ अभी आपकी मदद करता हूँ। अब ऊँट वाले ने ऊँट की पीठ पर खड़े होकर भिखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। उसी समय ऊँट को हरी घास दिखाई दी
और वह घास खाने के लिए क्या हो गया, नीचे झुक गया। फिर क्या, ऊंट वाला भी भीखू भाई के पैर पकड़े हवा में झूलने लगा। अब दोनों झूलने लगे, अब सोचे कैसे क्या करूं। अब भीखू भाई और ऊंट वाले का शोर सुनकर एक घोड़े पर सवार आदमी उनकी मदद के लिए रुका। वह घोड़े की पीठ पर चढ़कर खड़ा ही हुआ था कि घोड़ा भी घास के चक्कर में क्या हो गया, वो भी आगे बढ़ गया। और अब तीनों एक के नीचे एक लटके हुए झूलने लगे। घोड़े वाला ऊंट वाला जोर जोर से चिल्ला रहे थे, काका कसके पकड़े रहना, छोड़ना नहीं, मैं आपको 100 रुपये दूंगा, नारियल को छोड़ना नहीं। काका मैं आपको 200 रुपये दूंगा, बस पकड़े रहना। आप तो और खुश होगा कि भाई 100, 200, 300 रुपये मिलेंगे। भीखू भैया सुनकर फूले न समाए। देखिए फूले न समाए क्या है, एक ही मुहावरा है, मतलब बहुत खुश होना। सोचे चलो नारियल भी फ्री में मिल रहा है और 300 रुपये भी मिल रहा है। फिर सोचने लगे 100 और 200 यानी 300 रुपया, बाप रे बाप इतना सारा पैसा। अब सोचे कि चलो अब क्या करें, इतना सारा पैसा मिल रहा है तो ठीक है। अब खुशी से भूखी भाई ने अपने दोनों हाथ फैलाए और नारियल हाथ से छूट गया, तीनों जमीन पर गिरे धड़ाम। भीखू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ गिरा, वो भी कैसा, बिल्कुल मुफ्त। तो इसलिए क्या कहते हैं, लालच करना बुरी बला है, हमें लालच नहीं करना चाहिए। इस पाठ से हमको यही सीख मिलती है कि हमको लालच नहीं करना